नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे सरल ज्योतिष के प्रोग्राम में। आज सर हमारे साथ बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत। सर नमस्कार। सर मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं, कहते हैं कि सर की वीडियो जल्दी जल्दी लाया करो तो हाँ, अपने पर्सनल काम भी सर वो कहते हैं छोड़ दो, हमारे साथ पहले जुड़ो तो सर आज विशेष क्या जानकारी देंगे? नहीं, बहुत से वो नवांश की पूछते रहते हैं। नवांश हाँ जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, बहुत कुछ बताता है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल अब एक दफे हमने एक वो किया था वीडियो, 22वां दृष्टिकांड और 64वां नवांश, हाँ जी सर कि वो कब एक जैसे हो जाते हैं, एक ही प्लेनेट हो जाता है। तो आज मैं जो करने जा रहा हूं उससे कंफ्यूज मत कर, ओके क्योंकि 64वां नवांश और 22वां दृष्टिकांड हमने डुअल राशियों में पहला, पांचवा और नौवां नवांश बोला था जी कि अगर उसमें कोई ग्रह होता है तो उसका एक ही 64th नवांश लॉर्ड और 22वां दृष्टिकांड लॉर्ड एक ही हो जाता है, हाँ जी जी और उसकी दशा में हमें कष्ट मिलता है। तो वो हमने दृष्टिकांड और 64वें नवांश का स्वामी बताया है, पांचवें लॉर्ड का, जी सर ना के पांचवा लॉर्ड। जी बिल्कुल आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ग्रह पांचवें नवांश में बैठा हो तो वो बहुत शुभ फल देता है। ओ 22 और 64 छोड़ दो, यहां पर सिर्फ उस ग्रह को देखना है। पंचम नवांश सर, ये तो एक नया है कि हाँ, पंचम नवांश का। पंचम नवांश किसी भी राशि का, किसी भी साइन का। ओके देखिए, जी 9 नवांश होते हैं, तो पांचवा नवांश बीच का नवांश हो गया। चार नवांश पहले हैं, चार नवांश बाद में, जी और ये पांचवा नवांश की बहुत प्रेज की गई है हमेशा। ओके एक भी ग्रह अगर पांचवे नवांश में हो कुंडली में, तो वो कुंडली के लेवल को लिफ्ट कर देता है, बहुत ऊंचा ले जाता है। और कहीं दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, तो फिर तो कहने क्या है, बल्ले बल्ले बहुत ही ऊंचाई तक वो ले जाएगा, जी व्यक्ति को बहुत सफल बना देता है। जी तो सर देखेंगे कैसे पांचवा नंबर? पांचवा नवांश जो होता है किसी भी राशि में, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में की रेंज में अगर कोई ग्रह बैठा हो, जी वो ग्रह पांचवे नवांश में होता है। 13 20 पे 9 चौथा नवांश खत्म हो जाता है, पांचवा सर शुरू हो जाता है 13 20, 13 डिग्री 20 मिनट पे, हाँ जी और पांचवा नवांश 16 डिग्री 40 मिनट पे खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर इस तरह से पांचवे नवांश को देख लेते हैं। पंचम बिल्कुल, मतलब सेम वही पंचम नवांश जो भी हो, हाँ जो नवांश में, पांचवा नवांश नवांश जो है उस राशि का जिस राशि में वो बैठा हो, बैठा हो। विराजमान, ओके हाँ मान लीजिए जैसे मेष में बैठा हुआ है, जी तो पांचवा नवांश हुआ उसका मेष का 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट सोलह डिग्री चालीस सूर्य में जाएगा अब मेरा सिक्स। सूर्य है, वो हाँ जी मेष में 16 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो वो पांचवे नवांश में हो गया। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल अपलिफ्ट कर गया ठीक है, और जी सूर्य में ही मेरा बिजनेस जमा, चाहे जी तकलीफ बहुत दी पर जमा। ठीक जी जी है, जी इसी तरह मेरी कुंडली में चंद्रमा भी पांचवें नवांश में, अच्छा वृश्चिक में वो जी 16 डिग्री 20 या 18 कुछ मिनट पे है, 40 से कम में है इसलिए 40 से कम है, सोलह जी चालीस से। तो जी जी चंद्रमा की दशा में पैसे बहुत आए, लुटे भी और आए भी।
तो देखने वाली बात कि अपनी कुंडली में कितने ग्रह हैं जो पांचवें नवांश में हैं। बिल्कुल, मेरे दो हैं। हाँ, बहुत बढ़िया सर, बहुत तो बढ़िया। वो कुंडली को हाँ जी लिफ्ट कर जी पांचवें नवांश में। तो जी जी ये बहुत ही सिंपल सा सूत्र है हाँ जी कि पांचवा नवांश देख लो बस, ठीक ठीक है। जी सर, और उनकी दशाएं भी अच्छी जाती, ओके अपने कारकत्व के हिसाब से भी वो फल देते हैं। ओके जी अब ये देखो, ये टेबल आपने लगा दी, सर, 1, 5, 9 राशियों के लिए पांचवा नवांश सिंह मेष राशि मेष में जाएगा, जी सर, जो 1, 5, 9 से त्रिकोण में जा रहा है। हाँ लियो में जाएगा सर, मेष में हाँ, त्रिकोण तो आ तो त्रिकोण हुआ ना, हुआ इन बिल्कुल सब राशियों का त्रिकोण हुआ, जी सर, इस जी जी ट्राइन का, एक पांच सर, नौ की जो ट्राइन है हाँ जी उसके त्रिकोण में जाएगा, पांचवें नवांश में होगा। जी सर, 2, 6, 10 में वो हमेशा वृषभ में जाएगा, जी जो फिर त्रिकोण है। 3, 7, 11 में वो मेष कुंभ में जाएगा, वो फिर त्रिकोण है। और 4, 5, 12, 4, 8, 12 में भी वो स्कॉर्पियो में जाएगा, वृश्चिक में, वो भी त्रिकोण है। तो पांचवें नवांश में स्थित ग्रह, अब नवांश में वो अपने से, जो जन्म की राशि है वहां से अपने से त्रिकोण राशि में जाता है, बिल्कुल, ये है महत्व। इसीलिए वो बल उसका हाँ, बढ़ अपने जाता से त्रिकोण राशि में जाता है, जी, सीधी बात। सीधी बात जी सर, जी तो सर इसलिए वो बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है, ठीक जी, इसीलिए उसकी प्रेस की गई जी है जी। सर। सर एक चार्ट हाँ, लगाओ। अब दूसरी यहां तरफ देखो, जी यहां देखो, जी अब जुपिटर 14, 30 पे है जी और शनि 16, 27 पे है, जी दोनों पांचवें नवांश में। बिल्कुल सर, और कहाँ गए नवांश में? लियो में गए, लियो में गए दोनों। सिंह राशि में, है हाँ जी ना। जी सिंह सर राशि कार्य क्षेत्र की राशि है, जन्म जी कुंडली में दशम भाव की राशि है, जी अपने से त्रिकोण में गए हैं, जी तो दो हैं, हम बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। एक जी और बात होती है, इनकी दशा टाइम पे आनी चाहिए, जी ठीक है ना। जी इनकी दशा टाइम पे आनी चाहिए। अब वो दशा के लिए आप देखो, इनकी बृहस्पति की दशा शुरू हुई, चढ़ना शुरू हो गए, फिर जी उसके बाद शनि की दशा आई, शनि जी में तो वर्ल्ड फेम करा दिया इसको, ओके और शनि में तो ये हाँ वर्ल्ड के 100 सबसे जाने माने व्यक्तियों में आ गए। ओके सर, आपने बोला आपका भी है, मैं आपका भी चार्ट एक बार लगा के देखती हूँ, सर अरे उस पे भी समझते हैं। जी सर, अब यहां देखो, चंद्रमा 16, 31 में है हाँ जी और सूर्य 16, 16 में है, जी सर, वो और लगन भी 14 डिग्री का है। एक तरह भी पांचवें भाव से कह सकते हैं कि जी लगन भी जी उसमें है और पांचवें भाव, शनि भी 13, 24 पे है, तो वाह ये भी वो ये पंचम फिर नवांश में है। पंचम तो नवांश में होगी 3 ग्रह हैं और लगन है पंचम नवांश में। शनि की वो दशा तो आएगी नहीं मेरी, पैदा बचपन में जी, जरूर हुआ था शनि की दशा, 6 महीने की भी थी शुभ दशा हो गई है, ठीक हमारे लिए, शुभ दशा हो गई सर है। जी सर और उसके बाद सूर्य की दशा बढ़िया गई, चंद्रमा की दशा बढ़िया गई, राहु भी, वो भी पंचम नवांश के ग्रह के साथ है, जी, पंचम नवांश में नहीं है वो राहु, हाँ जी पर ठीक ठीक जा रही है अभी तो। जी सर, ये तो बहुत अभी देखा अच्छा, मैंने, मेरे भी 3 है भाई, 3 हाँ सर ये तो सूत्र अच्छा मिल गया, ग्रह तीन हैं। है सर हाँ, पर तो अब दूसरी थोड़ी बनाया है इन्होंने मेरे को,
सर ब्रूसली नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजी में बहुत नेम फेम, बुक्स आप इतनी अच्छी लिख रहे हैं सर, इसमें बुक्स में, और आपने अगर सरकारी नौकरी की है तो वहां भी आपने नाम कमाया अपने संस्थान में, तो हर जगह उसने नेम फेम तो दिया सर नहीं, मतलब अपने फील्ड में जी वो तरक्की कर जाता है जी कहीं भी हो। अब उसके देखो बेसिक कारकत्व तो खत्म नहीं होंगे ना किसी भी ग्रह के। बिल्कुल सर अब जैसे हमारा सूर्य है, थर्ड लॉर्ड है, जी मेहनत कराएगा, भाग दौड़ कराएगा, कराएगी उसने। चंद्रमा है, सेकंड लॉर्ड है, छठे में बैठा है, हाँ जी तो छठे में हानि भी देगा ना। सेकंड लॉर्ड इन सिक्स, दुश्मन ले जाएंगे पैसा, और पैसा भी देगा तभी तो ले जाएंगे। जी पैसा देगा तभी ले जाएंगे। हाँ हाँ, जी शनि है वो भाग्यशाली, जी और अभी तक तो ठीक ठाक उम्र दे रहा है, अष्टमेश है बिल्कुल सर और कारक है, ठीक जी है ना। जी सर यही एक बिंदु देखने में मिल जाते हैं, पांचवें नवांश में ग्रह जी मिल जाता है। और उसकी दशा देखें कि कब आ। दशा के ऊपर होता है, पर पांचवें नवांश में मिल जाता है। जी मतलब समय पर दशा आ जाए तो वो आपको अपलिफ्ट करेगा ही करेगा, नहीं, जनरल भी वो जनरल भी। मैंने वर्ड यूज किया था कि कुंडली की अहमियत को बढ़ा देता है, ओके कुंडली के लेवल को हाई कर देता है। जी सर ठीक है भैया, जी सर थैंक चलिए, यू, थैंक यू सो मच हाँ सर, बहुत ओके बढ़िया, जी, नमस्कार नमस्कार। तो नमस्कार। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, हालांकि उनके पास समय की इस वक्त बहुत कमी थी, फिर भी आप सभी के लिए सर विशेष रूप से आए हैं, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।